आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि एक ट्रैवल एजेंसी ओपन करने के बाद आप उस ट्रैवल एजेंसी को कैसे अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी रन करने के बाद हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। उस चैलेंजेस में सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि हमें सस्ता फेयर कैसे मिले। तो सस्ता फेयर लेने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हम बहुत से ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं कि B2B पोर्टल पे हम बुकिंग बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब B2B पोर्टल पे हम जब बुकिंग बनाते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपके और एयरलाइंस के बीच में जो दूसरे ट्रैवल एजेंसी होते हैं वो आते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके बुकिंग बनाते हैं, तो आपके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो B2B पोर्टल चलाते हैं उनके जेब में चला जाता है। तो यहां मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि बहुत सी एयरलाइंस ऐसी है जैसे इंडिगो एयरलाइंस, गो एयरवेज, स्पाइसजेट, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते तो वहां भी आपको लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप वहां जाके यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करें एज अ ट्रैवल एजेंट और आप वहां से बुकिंग बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको किराए में फर्क मिलेगा और आपको सस्ता टिकट मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे चैलेंजेस की। एज अ ट्रैवल एजेंट आप अपने आप को आईटा से रजिस्टर्ड जरूर करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें, पहले आप अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश करें, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जब आपका बिजनेस आगे बढ़ने लगता है तब आप आईटा रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं। आईटा रजिस्ट्रेशन की तीन आपकी लेवल होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप दोबारा चाहे तो देख सकते हैं। तो आप आईटा गो लाइट का आप लाइसेंस लेने की कोशिश करें। इसका तो दो फायदा होता है। पहला फायदा यह होता है कि इससे आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, आप ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं, पूरी दुनिया में एक आपकी आइडेंटिटी बनती है। और दूसरा ये कि आप जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो कई जगह आपको जैसे पेमेंट गेटवे लेने के लिए या फिर किसी जगह टेंडर अप्लाई करते समय आपको आईटा रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस एक्सपेंड करने में आपको आपको आईटा रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। नंबर तीन पे हम बात करेंगे कि हमारे पास ट्रैवल एजेंसी में बिजनेस कैसे आए। बिजनेस आने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, उसमें से एक ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने ऑफिस में या तो खुद या किसी आप सेल्स मैनेजर को हायर करें। तो जो आपका सेल्स मैनेजर होगा नॉर्मली उसका काम क्या होगा कि जितने भी आसपास के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां पे आपका सेल्स मैनेजर विजिट करेगा और विजिट करने के बाद वहां से बिजनेस ला के आपको देगा। तो नॉर्मली ये जो भी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या सरकारी दफ्तर हैं या इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, ये लोग 15 दिन की क्रेडिट मांगते हैं। तो अगर आप लगता है कि मैं 15 दिन का क्रेडिट दे सकता हूं तो आप उनको 15 दिन की क्रेडिट दे करके 15 दिन के बाद पेमेंट ले सकते हैं। यहां मैं एक सलाह आपको ये देना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आप टाई अप कर रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान देखें कि वो यूनिवर्सिटी या फैक्ट्री कितनी पुरानी है, कितना स्ट्रांग है मार्केट में। अगर आप ये चीज नहीं छानबीन करते तो हो सकता है कि वो आपके पैसे लेके भाग जाए और बाद में आपको नुकसान हो। आपको दूसरा एक और मैं ट्रिक बताता हूं। जितने भी अगर आपने आईटा का लाइसेंस ले लिया तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी तरीके से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सभी दफ्तरों में फ्लाइट की टिकट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज अथोराइज ट्रैवल एजेंट अगर आप वहां पे अप्लाई करते हैं टिकटिंग के लिए तो वहां पे आपको टिकटिंग के राइट्स मिल सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको इन बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टिकटिंग के राइट्स मिलते हैं तो आपके बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट है आपके ऑफिस के स्टाफ के बारे में। आप अपने ऑफिस स्टाफ में एक कॉलिंग स्टाफ ऐसा रखें जो सेल्स का काम बहुत अच्छे से तरीके से करता हो। इट मीन्स अगर आपके पास क्वेरी आती है तो आप उसको सही तरीके से फॉलोअप करें। अगर कस्टमर कोई डिटेल्स मांगता है तो इमीडिएटली डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे या ईमेल के माध्यम से आप उसको भेज सकें या आप उसको फोन कॉल पे सही तरीके से अटेंड कर सकें, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट तरह तरह की होती है। कस्टमर आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन देने में डिले करते हैं या इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दे पाते हैं तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोलता है कि मुझे एक लद्दाख का पैकेज चाहिए और आपने लद्दाख का पैकेज कोट किया 30,000 पर पर्सन। और सपोज कीजिए वो कस्टमर आपसे दोबारा फोन करके बोलता है कि सेम पैकेज मुझे
28,000 में किसी और से मिल रहा है। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके स्टाफ के पास या आपके पास कि वो कस्टमर को कन्विंस कर सके कि सर जो मार्केट में रेट आपको मिल रहा है वो पैकेज की क्वालिटी और हमारे पैकेज की क्वालिटी में फर्क है, हम क्या ऑफर कर रहे हैं और दूसरे लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, ये चीजें आपको बताना अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका स्टाफ या आप जितना अच्छा नॉलेज लेकर के कस्टमर को हैंडल करोगे उतने अच्छे तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट की। नॉर्मली एज अ ट्रैवल एजेंट, अगर आप एंट्री लेवल के ट्रैवल एजेंट हो तो आपको अपना वेबसाइट जरूर बनवाना चाहिए। वेबसाइट बनवाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कस्टमर्स आपको गूगल के थ्रू आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपके प्रोडक्ट को चेक करते हैं, आपकी सर्विस को चेक करते हैं और फिर आपको हो सकता है आपकी कोई प्रोडक्ट को वो बाय करे। तो वेबसाइट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वेबसाइट ज्यादा महंगा ना हो, और वेबसाइट बनाते समय आप बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें। एक मैं अलग से वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, व्हाइट लेवल वेबसाइट क्या होती है, HTTPS क्या होता है, आपको वेबसाइट का डिजाइन कैसा रखना चाहिए। बट फिलहाल मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट आपके एक काम को बताए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बेच रहे हैं, वो सारी प्रोडक्ट को उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका फोन नंबर होना चाहिए। तो वेबसाइट होने से एक ट्रस्ट बनता है। अब हम थोड़ा सा व्हाइट लेवल वेबसाइट की बात कर लेते हैं। व्हाइट लेवल वेबसाइट नॉर्मली वो वेबसाइट होती है जो बड़े साइज के ट्रैवल एजेंट अपना वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए दूसरे ट्रैवल एजेंट को दे देते हैं। तो जो लो लेवल या एंट्री लेवल के ट्रैवल एजेंट होते हैं तो उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो वेबसाइट में अपना लोगो लगा सकते हैं, अपने कंपनी का नाम लगा सकते हैं, अपना फोन नंबर लगा सकते हैं और वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। तो व्हाइट लेवल वेबसाइट का मतलब ये हुआ कि दूसरे ट्रैवल एजेंट आपको अपनी वेबसाइट इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं, आप उसमें चेंजेस करते हैं। बट याद रखेंगे व्हाइट लेवल वेबसाइट थोड़ी महंगी आती है, तो आपको इसमें अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हॉलीडे एक्सपर्ट। आप या आपका स्टाफ हॉलीडे एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए। उसको पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या क्या घूमने लायक जगह है, उत्तराखंड में क्या क्या घूमने लायक जगह है, कब जाएं, लद्दाख में क्या क्या घूमने लायक जगह है, दार्जिलिंग में क्या क्या घूमने लायक जगह है, सिक्किम में क्या क्या, अंडमान में क्या क्या, केरला में क्या क्या है, हर एक चीजों की इंफॉर्मेशन उसके पास जरूर होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपसे बोल सकता है कि मैं मुंबई से कॉल कर रहा हूं, मुझे 2 दिन के लिए किसी आसपास के डेस्टिनेशन के बारे में बताइए जहां मैं जा सकूं और फैमिली के साथ आ सकूं। तो आपको इमीडिएटली ओवर द फोन ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इसी तरीके से कस्टमर कह सकता है कि मैं 3 दिन के लिए अंडमान जाना चाहता हूं, क्या 3 दिन में अंडमान में घूम सकता हूं? तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि कस्टमर आपको अगर फोन करे तो ओवर द फोन कॉल आप वन टाइम रेजोल्यूशन आप दे सके। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि हॉलीडे पैकेज पे फोकस करें, क्योंकि हॉलीडे पैकेज पे अगर आप फोकस करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी में हॉलिडे पैकेज सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला आपका सेगमेंट होता है। नॉर्मली डोमेस्टिक फ्लाइट में आपको 100 रुपए से 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से अगर आप ट्रेन की टिकट बनाते हैं, बस की टिकट बनाते हैं या वीजा असिस्टेंस की फैसिलिटी देते हैं तो कुल मिला के आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना आपको हॉलीडे पैकेज में प्रॉफिट होता है। नॉर्मली ये देखा गया कि हॉलीडे पैकेज में 10 से लेकर 20% तक के मार्जिन के ऊपर काम होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए पैसेंजर केनिया घूमने जाना चाहता है, तो अगर वो केनिया जा रहा है, या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यूरोप टूर के लिए जाता है, वो आपको फ्रांस जा रहा है, यूके जा रहा है, इटली जा रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है, तो नॉर्मली जो पैकेज का बजट होता है वो एक आदमी का 2 से 3 लाख के ऊपर का बजट होता है। तो अगर 2 आदमी जा रहे तो आप मान के चलिए 5 से 6 लाख का पैकेज का बजट आता है। तो 5 से 6 लाख पे अगर आप 10% का भी मार्जिन रख के चलते हैं तो एक बुकिंग से आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है। तो सोच लीजिए अगर आप महीने में 4 बुकिंग ऐसे क्रैक कर लेते हैं तो आप नॉर्मली 2 लाख का पैकेज आप प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए कि आप एज अ डीएमसी के रूप में काम करें, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी के रूप में। आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज कर लीजिए, पर्टिकुलर कंट्री को चूज कर लीजिए। लाइक आप बैंकॉक को चूज कर सकते हैं, दुबई को चूज कर सकते हैं, इंडिया में केरला, अंडमान, हिमाचल और उत्तराखंड और सिक्किम को चूज कर सकते हो, और इसी सेगमेंट को आप फोकस करके आप कस्टमर को आप अपने वेबसाइट पे बुला सकते हैं
और आप अपनी सर्विस को दे सकते हैं। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर अपनी ट्रैवल एजेंसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हॉलिडे पैकेज पे जरूर फोकस करें, क्योंकि ये सबसे प्रॉफिट देने वाला आपका एक सेगमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल। गूगल एक बहुत बड़ा टूल है, और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, ये देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर गूगल के थ्रू आपके पास पहुंचते हैं। तो आप गूगल के थ्रू आप अपने कस्टमर को कैसे आप अपनी ट्रैवल एजेंसी में बुला सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, दूसरी बात कि आपके पास एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो आप इस वेबसाइट और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके गूगल में जाकर के, गूगल मैप में जाकर के आप अपना गूगल बिजनेस का अकाउंट ओपन करें। मैं रिपीट कर देता हूं, गूगल बिजनेस अकाउंट ओपन करें। गूगल बिजनेस अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल मैप में आप अपनी प्रेजेंस बनाएं। आप अपनी प्रेजेंस को बना करके ये दिखा सकते हैं कि आपका ऑफिस गूगल में कहाँ लोकेट है। तो अगर कोई पैसेंजर सर्च करता है ट्रैवल एजेंट नियर मी, तो आप जो गूगल है, गूगल की हेल्प लेकर के कस्टमर आपके ऑफिस तक वो पहुंच सकता है। तो गूगल को आप एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। नेक्स्ट, एज अ ट्रैवल एजेंट, अगर आप ऑनर हैं या आप एजेंसी रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास भी खुद इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अमेडियस का नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकटिंग का नॉलेज आपके पास अच्छे तरीके से होना चाहिए। अमेडियस पे कैंसिलेशन कैसे होती है, क्यू हैंडल कैसे होता है, रिफंड कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्टाफ होता है वो आपके मॉनिटर में होता है। आपका स्टाफ आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, आप चीजों को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपका स्टाफ नहीं आया, तो आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास वीजा का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास डोमेस्टिक जियोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेशनल जियोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास हॉलिडे पैकेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास वीजा का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर टिकटिंग होती है उसकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एज अ ट्रैवल एजेंट तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे सही तरीके से काम करते हैं, आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं सही तरीके से, तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं होगा कि आप अपने ट्रैवल एजेंट से लाखों करोड़ों आप कमा सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं सब छोटे से बड़े हुए हैं, कोई एक दिन में बड़ा नहीं हो गया है। तो आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नंबर वन कॉन्फिडेंस, नंबर टू बिजनेस स्ट्रेटेजी, नंबर थ्री मैनेजमेंट, एंड नंबर फोर ऑफकोर्स नॉलेज। तो नॉलेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि मुझे अमेडियस का कोर्स करना है या ट्रैवल टूरिज्म का कोर्स करना है, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आप अपनी ट्रैवल एजेंसी को आगे बढ़ाने में आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।